दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल दिल्ली के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल ने कहा कि भाईचारे को जलाकर हिंदुस्तान को बांटा जा रहा है। राहुल गांधी दंगों में नुकसान पहुंचाए गए एक मस्जिद को भी देखने के लिए पहुंचे। राहुल गांधी जब ब्रिजपुरी पहुंचे तो वहां एक महिला ने राहुल का विरोध शुरू कर दिया। हिंदुस्तान को जो बांटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, नहीं रो नहीं आग लगवाई अम्मा बेटा ने, क्या बोला था माने, क्या बोला था सोनिया गांधी ने, आर्या पार। राहुल गांधी का दंगा टूरिज्म। राहुल गांधी बुधवार को गए तो थे दिल्ली में हिंसा प्रभावित इलाकों में हालात का जायजा लेने, लेकिन उन्हें वहां एक महिला के विरोध का सामना करना पड़ा। ब्रजपुरी में ही गली नंबर 8 में रहने वाली विमलेश नाम की महिला ने राहुल गांधी को जमकर खरी खोटी सुनाई। इन्होंने बोला था ना, इन्होंने आग लगवाई हुई है, इन्होंने आग लगवाई हुई है, ये बोल बोल के आर्या पार इन्होंने बोला था ना, आर्या पार आग लगवा के तापना आया ये। आप यहीं रहती हैं? यहीं रहती हूँ मैं। पत्थर खाए हमने, हमने पत्थर खाए, बड़ी मुश्किल भाग भाग के जान बचाई है हमने अपनी। इन्होंने आग लगाई थी, शुरुआत किन्ने करी थी, इन्होंने करा था विरोध, इन्होंने विरोध, यहीं रहती हूँ मैं। ब्रजपुरी में रहती हूँ, बहुत दुख है हमें, बहुत ज्यादा है। इन्होंने आग लगवाई, इन्होंने कहा आज तमाशा देखना आया। राहुल गांधी से क्या दिक्कत है? इन्होंने माँ बेटा ने आग लगाई है, लगवा के अगर तमाशा देखना आया, तमाशा देखना तो आपके घर पे पत्थर, हाँ आपके घर पे पत्थर हुआ था, इतना पत्थर हुआ बहुत ज्यादा, बड़ी मुश्किल जान बचाई है हमने, हाँ हमने बहुत मुश्किल जान बचाई अपनी भाग भाग के, 50-100 लोगों ने कम से कम पत्थर मार मार के हमारे घरों तक घुस गए। राहुल गांधी जी को क्या बोलना चाह रही थी? यही कह रही हूँ, इसने इन्होंने आग लगवाई अम्मा बेटा ने, क्या बोला था माने, क्या बोला था सोनिया गांधी ने, आर्या पार। राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के पूरे लाभ लश्कर के साथ दंगा प्रभावित इलाकों में पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ब्रजपुरी इलाके में पहुंचे। यहां उन्होंने अरुण मॉडर्न पब्लिक स्कूल का दौरा किया। ये स्कूल हिंसा के दौरान आगजनी का शिकार हुआ था। राहुल ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भाईचारे को जलाकर हिंदुस्तान को बांटा जा रहा है। ये हिंदुस्तान का भविष्य है और यहाँ पे नफरत और हिंसा ने इसे खत्म किया है, जलाया है। हिंसा और नफरत तरक्की के दुश्मन है और ये जो हो रहा है, हिंदुस्तान को जो बांटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, इससे हिंदुस्तान की भारत माता का कोई फायदा नहीं। भाईचारा, एकता, प्यार, उसको यहाँ जलाया गया है, नष्ट किया गया है। ब्रजपुरी इलाके में राहुल गांधी फारूकिया जामा मस्जिद भी गए। राहुल गांधी ने हिंसा के दौरान टूटी मस्जिदों का भी जायजा लिया। राहुल गांधी के साथ लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल, कुमारी शैलजा समेत कई नेता शामिल हुए। हिंसा वाले इलाकों में राहुल गांधी के दौरे पर बीजेपी ने पलटवार किया। तो पहले दंगे करवाओगे, फिर मलहम लगाने जाओगे, मलहम लगाने जाने से पहले भी आप इटली से होकर आए 6 दिन पहले, और इटली में जाने के बाद के एयरपोर्ट पर आपने स्क्रीन टेस्ट कराया नहीं कराया, आपकी टेस्ट आपने कराया नहीं कराया, ये भी देखना पड़ेगा। ये जो कोरोना वायरस बीमारी फैल रही है उसके बारे में प्रिकॉशंस लिए आपने, लिए या वहां पर और भी एक संक्रमण फैलाने की आप चाहते हैं कि और भी देश के अंदर ऐसे संक्रमण फैलते चले जाएं। राहुल से पहले कांग्रेस नेताओं के डेलीगेशन ने भी हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह ने तो दंगे के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोषी ठहरा दिया। दिल्ली का बहुत बुरा हाल है और लोगों में तनाव है, प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। मुसलमानों को हिंदुओं ने बचाया, सिखों ने बचाया, हिंदुओं को मुसलमानों ने बचाया, ऐसे सब मिलके कर रहे हैं, दंगाई कौन थे, ये क्यों नहीं सामने आती सरकार बताए। ये यूपी के वो योगी मोदी ये सब यही चला रहा है, सिस्टम हो रहा है, ये इन्हीं का काम है सर। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी का क्या ये दंगा टूरिज्म है, क्या नेताओं की ये हिंदू मुस्लिम वाली सियासत है? दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।